काम करते हैं तो पैसा कमाने के लिए करते हैं, और इस पैसे के दो ही काम होता है, पहला काम होता है खर्चा और दूसरा काम होता है बचत। होता है कि नहीं होता है? खर्चा करना मजबूरी है, बचत करना जरूरी है, है कि नहीं? मान लीजिए कि जो भी पैसा कमाते हैं 100% उनको इनकम मान लेते हैं। अभी सर 100% में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, 80% पैसा खर्चा हो जाता है और 20% पैसा बचत। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिसको 20% पैसा बचता भी नहीं है, 100 का 100 इतना कमाता है उतना खर्चे हो जाता है। इसलिए इस दुनिया में 20% लोग जो है अमीर हैं उसका एक ही समस्या है कि पैसा खर्च कहाँ करे, और 80% लोग गरीब हैं उसका एक ही समस्या है कि पैसा कैसे कमाए। यस, अब यहाँ खर्चा और बचत, तो मान लेते हैं जो भी पैसा हम कमाते हैं वो पैसा हम खर्च करते हैं एक ग्राहक बनकर के, और ग्राहक यहाँ कोई सामान खरीदते हैं वो बनाने वाला होता है कंपनी। यस यस यस। अब यहाँ कंपनी से आज तक कोई सीधे ग्राहक से सामान लिए नहीं लिए, इसका बोला जाता है ट्रेडिशनल बिजनेस। अब यहाँ इस कंपनी में होता क्या है कि कंपनी सामान तो बनाती है और यहाँ ग्राहक तक वो सामान पहुँचता कैसे है, तो सबसे पहला यहाँ कंपनी प्रचार करवाया जाता है जिसको दुनिया जानता है, जैसे क्रिकेटर हो, फिल्म का हीरो हीरोइन हो, उस सबसे प्रचार कराया जाता है। और प्रचार जैसे हम लोग देखते हैं तो ग्राहक बन करके रिटेलर के पास, खुदरा दुकानदार के पास सामान लेने चले जाते हैं, और वहाँ वो भी भाई साहब जो भाव में लाते हैं वो भाव में देता है क्या? No. नहीं, क्योंकि वो भी कहीं से ना कहीं से लाते हैं। लाते कहाँ से हैं? होलसेलर से, और होलसेलर वाले भी लाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है और ये भी डिस्ट्रीब्यूटर CNF एजेंट, कैरियर प्रोवाइडिंग एजेंट से लाते हैं, क्योंकि इसका माल आता है कंपनी से। इसी तरीके से जो कंपनी से चलकर ग्राहक तक माल आता है, यहाँ कंपनी कोई भी सामान को बनाने में 40% लागत होता है, और यहाँ ग्राहक तक आते आते सामान का भाव 100% हो जाता है। 30% पैसा प्रचार में खर्च होता है और बाकी का 30% पैसा जो है ये बिचौलियों में चला जाता है। यहाँ पैसा किसका है? ग्राहक का, और ग्राहक के ही पैसा से ये लोग बीच वाले जो लोग हैं ये अमीर को अमीर होते जा रहा है। तो इस व्यवस्था को चेंज करने के लिए महामहिम जो इस RCM को रचयिता, RCM को जन्मदाता, मैं चाहूंगा कि उनके नाम पर एक बार जोरदार ताली, उन्होंने इस सिस्टम को 1900 पहले इस सिस्टम से उन्होंने क्या किए कि पहले इस सिस्टम से पहले उन्होंने 1977 में अपना कपड़ा का व्यवसाय करते थे, फिर 1986 में उन्होंने खुद का मिल लगाई, कपड़ा बनाने का मिल लगाई, और 2000 में सन 2000 अगस्त में इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग मेथड का आविष्कार किए जिसका नाम रखा RCM बिजनेस। RCM बिजनेस सन 2000 में डायरेक्ट सेलिंग का आविष्कार किया जिसका नाम रखा RCM बिजनेस, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने की सही तरीका या सही तरीका का बाजार, है ना। अब इन्होंने कहा कि यहाँ तो कंपनी है और यहाँ हम ग्राहक नहीं बनाएंगे, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, क्योंकि तो ग्राहक का अर्थ होता है कि उनके ऊपर सारा का सारा ग्रह जो है लगा हुआ है, इसलिए ग्राहक नहीं बनाएंगे, यहाँ आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे। और जो यहाँ ये भी कंपनी 40% में आपको माल बनाएंगे बनाएगी और 100% में यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा, लेकिन बाकी का जो 60% पैसा वो बिचौलियों के पास चला जाता था, वही 60% पैसा फिर यहाँ क्या करते हैं, कंपनी ग्राहक को ही वापस करती है जो एक सिस्टम से, वो सिस्टम है सिस्टम है जैसे कि 100 बिजनेस वॉल्यूम आपको 10%
5000 बिजनेस वॉल्यूम 12%, 10000 बिजनेस वॉल्यूम 14%, 20000 बिजनेस वॉल्यूम 16.5%, 260000 बिजनेस वॉल्यूम 29%, 350000 बिजनेस वॉल्यूम 32%। यहाँ आपको 32% तक परफॉर्म मेंस बोनस के रूप में दिया जाता है। जैसे आप इसमें ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन में कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ज्वाइनिंग है, दो फोटो, आधार कार्ड फोटो कॉपी, बैंक अकाउंट फोटो कॉपी लगता है। और जैसे आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले एमआरपी में आपको 10-20% आपको पहले छूट दिया जाता है, और एम जब डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है डीपी प्राइस में आपको माल दिया जाता है, और उसमें भी 10% बीबी का 10% से लेकर के 32% तक कमीशन के रूप में दिया जाता है। इसके बाद 8% रॉयल्टी के रूप में दिया जाता है, 5% टेक्निकल के रूप में दिया जाता है, जमा 45% का आप लोग पार्टनर हो जाते हैं। अगर यहाँ पर कोई भाई साहब दुकानदार है, अगर 1,00,000 रुपया पूंजी लगाए हैं और हम कहेंगे कि आप 1,00,000 लगाए हैं, 1,00,000 हम भी देते हैं, आप पार्टनर बना लीजिएगा, वो भाई साहब कहेंगे नहीं। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं देते हैं, 45% का पार्टनर हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। यस यस, तो इसी चीज़ को समझना है कि कंपनी से पैसा कैसे आता है, समझ गया ना? यस। और इसके बाद ज़्यादा कुछ तो हमसे भी